मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग तथा उद्योग विभाग के आसपास पड़ी सड़क पर आज लगाए गए पौधे, यह पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए हैं। महिला दिवस पर इस संस्था के द्वारा पौधे यह लगाने की शुरुआत की गई है। वैसे यह बता दें कि इस संस्था के द्वारा ट्री गार्ड सहित 5000 पौधे हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र के आसपास और शहरी क्षेत्र में लगाए जा चुके हैं। आज भी पौधे लगाने की शुरुआत इन्होंने महिला दिवस पर विशेष रूप से की है और महिलाओं को भी जागृत करने का कार्य भी इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। लादू सिंह भाटी ने बताया कि इस संस्था के द्वारा महिला दिवस पर आज पौधे जो लगाए शुरू किए हैं, 1000 पौधे ट्री गार्ड सहित हमारा लगाने का आगे कार्य होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पौधे लगाने के बाद लगातार पौधों को पानी देने का कार्य, निराई गुड़ाई का कार्य यह संस्था लगातार करती है ताकि पौधों की सार संभाल होकर के लगातार उसकी बढ़ोतरी भी होती रहे और वो पेड़ का रूप ले सके। इसलिए इस संस्था के द्वारा समय समय पर लगाए गए जो पूर्व के पौधे हैं उनकी देखभाल भी की जाती है, चाहे वन विभाग हो या कोई अन्य विभाग। पौधे तो लगा देता है परंतु पौधे लगाने के बाद उसकी सार संभाल जो है वो विभाग नहीं करता है, इसलिए वो पौधे पनप नहीं पाते हैं। परंतु इस संस्था के द्वारा पौधों को लगाने के बाद ट्री गार्ड, एक तो विशेषता जो है कि ट्री गार्ड लगाते हैं पौधों के साथ, जिससे पौधे जो है पशु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पौधा जो है पेड़ बढ़ने के लिए सहायक भी हो जाता है। और इस संस्था के द्वारा लगातार जो है पानी भी दिया जाता है और पौधों की सार संभाल की जाती है, उनको देखा जाता है समय समय पर। इसीलिए इनकी संस्था के द्वारा लगाए गए पौधे जो है वो फल फूल रहे हैं। महिला दिवस पर इन्होंने इस संस्था के साथ महिलाओं को भी जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने भी इस मौके पर बच्चों के साथ मिलकर महिलाओं ने भी आज जो है पौधे लगाए हैं और महिलाओं के प्रति जागृति लाने का, इन्होंने घूंघट हटाओ योजना जो है राजस्थान में चल रही है उसके प्रति भी प्रेरित करने का काम इन्होंने महिलाओं को किया है। आज उन्होंने कहा भी है कि घूंघट हटाओ जो योजना है राजस्थान की, इसमें हमारी संस्था के द्वारा समय समय पर जब भी हम पौधे लगाएंगे तो महिलाओं की भागीदारी उसमें ज़्यादा हम रखेंगे। और इस योजना का जो घूंघट हटाओ योजना है, इसके लिए प्रचार प्रसार भी ये संस्था लगातार आगे आने वाले समय में करती रहेगी। महिलाओं और बच्चों के द्वारा आज पौधे आज लगाए गए हैं और बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी इससे आएगी और बच्चे आगे जाकर जो है वृक्ष प्रेमी बन सकेंगे। इस संस्था का ये भी जो है उद्देश्य है कि बच्चों को भी इस पौधे लगाने की जो योजना है इसके साथ साथ जोड़े रखना भी इन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में भी बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सब समाज सेवियों को हम जोड़ना चाहते हैं ताकि पर्यावरण को शुद्ध रख सके। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैणी, हनुमानगढ़। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। वैसे भी ये समिति हमेशा ही ऐसा सराहनीय काम करती रहती है। देखिए, आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया है कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमारा देश बेटी को बचाने में लगा हुआ है, उसी तरह से हमें हमारा जीवन बचाने के लिए, बेटी तो जब बचेंगी जब हमारा जो सांस लेने के लिए हमें एक अच्छी वायु मिलेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे पर्यावरण को सबसे पहले बचाएं। तो उस चीज़ के लिए मतलब दोनों ही आज के दिन महत्वपूर्ण हो गए। एक तो महिला दिवस, यानी महिलाओं को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वह आज महिला दिवस है। ये मानव उत्थान सेवा समिति है, 5000 पौधे इन्होंने पहले लगाए हैं और भी लगा रहे हैं। इसके जो संस्था, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप, क्या क्या विचार है आपका इस संबंध में? देखिए, बहुत ही सराहनीय काम है और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में समाज में इससे बड़ी ज़रूरत हमारे पास कोई है। और अगर ये संस्था अगर इस तरह के काम कर रही है तो बहुत सारे लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ जितने ज़्यादा लोग इनसे जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पौधारोपण होगा, उतना ही हमारे शहर का, हमारे समाज का और हमारे देश का विकास होगा। हमारे को स्वच्छ वायु मिलेगी और हम एक स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि जो जीवन हमने तो आधा जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? उसके लिए हमें वृक्षारोपण ज़रूरी है। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, अपनी सहभागिता दिखाएँ और इस काम में उनका सहयोग प्रदान